नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पन्ना खजुराहो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया, यश भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने दी, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाकई में अहंकार से भरी हुई है। जिस तरीके से आज स्मृति ईरानी जी ने पन्ना में बात कही है, बुलेट ट्रेन की बात कह रही है कि बुलेट ट्रेन का जमाना है और साइकिल पंचर हो गई, तो बुलेट ट्रेन भारतीय जनता पार्टी कहाँ चला पाई, कौन से शहर में चला पाई है, क्या गुजरात मॉडल में चला पाई है या योगी मॉडल में चला पाई है, ये तो मेट्रो तक नहीं चला पाए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाने का काम किया। बात अगर हमारे चुनाव चिन्ह साइकिल की करते हैं तो अपने चुनाव चिन्ह को देखें, ये कीचड़ करना पसंद करते हैं, ये गंदगी करना पसंद करते हैं। इसलिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करेगी वहां गंदगी करेगी, जितना कीचड़ होगा उतना ही आनंद आता है, इसीलिए कीचड़ में लोट लगाना पसंद करते हैं, समाज में वातावरण दूषित करने का काम करते हैं, वातावरण गंदा करने का काम करते हैं, और समाजवादी लोग हमेशा इस गंदे वातावरण को स्वच्छ करने का काम करते हैं। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 5 करोड़ पौधों से अधिक पौधे लगा करके, बच्चों को लैपटॉप दे करके, बेहतर शिक्षा दे करके, और स्पीड बढ़ाने के लिए आगरा लखनऊ जैसा एक्सप्रेस वे बना के दिया जिससे स्पीड बढ़े। और अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में देश की तरक्की और उन्नति करनी है तो विकास के मॉडल पे तरह हमसे चुनौती लेकर के तुलना करके बताए। और जो वो कहती है कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, जमानतें भी जब्त हुई और भारतीय जनता पार्टी भी लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ रही है। लोकतंत्र खत्म करने का काम ना करें, हम इसी की खिलाफत में हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुश्मन है, संविधान की दुश्मन है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग सब साथ में, इंडिया गठबंधन साथ में है, और यहाँ एनडीए को हराने का काम पीडीए करेगा, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।